बच्चों ने और टीचर ने बहुत खास मेहनत की इस पे आज साइंस पे, और ये बड़ी एजुकेशनल एग्जीबिशन थी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे एग्जीबिशन हर महीने दो महीने में लगने चाहिए, ताकि इससे जो ना वो बच्चों के जो ना वो साइंस की जो एजुकेशन है उस पर जो ना वो उस पर इजाफा होता रहे। और टीचर्स ने बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखाया है, टीचर्स की बड़ी मेहनत है। मैं तमाम टीचर्स को प्रिंसिपल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन कामयाब एग्जीबिशन किया आज। क्लास मैट्रिक, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग? ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन के एक पार्ट है सेरेब्रम, हम डिफाइन कर रहे हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन इट? ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो सेरेब्रम होता है, ये ब्रेन का अपर पार्ट होता है। इसके टू ये पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, राइट हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट होता है वो लेफ्ट की बॉडी कंट्रोल करता है। इसके फोर लॉब्स होते हैं, फ्रंटल लॉब, पैरिटल लॉब एंड टेम्पोरल ऑक्सिपिटल लॉब। जो फ्रंटल लॉब होता है वो एसोसिएट करता है हमारी थॉट्स एंड थिंकिंग में हेल्प देता है, पैरिटल लॉब हमें सेंसेशन में हेल्प देता है, और टेम्पोरल लॉब हमें हियरिंग और स्पीच में हेल्प देता है, और लास्ट जो ऑक्सिपिटल लॉब है वो हमें विजन में हेल्प देता है। हम जो कोई ऑब्जेक्ट को सी करते हैं, हमारे देखने का प्रोसेस होता है, उसमें ऑक्सिपिटल हेल्प देता है। बाकी ये ब्रेन के कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब ब्रेन का जो वेट होता है वो मैक्सिमम 3 pounds होता है। ब्रेन हमारा फुली डेवलप जो होता है वो 25 एज में कम्प्लीट हो जाता है। ब्रेन जो 60% ऑफ ब्रेन जो है हमारा फैट से बना हुआ होता है। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है इनका, और इन्होंने जो एग्जीबिशंस लगाई है उसके हवाले से बहुत ही अच्छी लगा मुझे। बच्चों को अवेयरनेस मिलेगी इस चीज़ों से, सबसे मालूमात होगी कि क्या है क्या नहीं है, फ्यूचर के अंदर इनको आगे काफ़ी एफर्ट्स होंगे। दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ क्लास मैट्रिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो यस गर्ल्स, कैन यू एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट इट? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये जब एक लाइट शीशे के जरिए दूसरे शीशे पर जाती है तो इसका बाउंस बैक होता है, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके गर्ल्स, दिस इज़ क्लास 8। सो क्लास 8, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग? अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुरिया फातिमा फ्रॉम क्लास 8। इट इज़ आवर प्रोजेक्ट हाईलाइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA इन 3D फॉर्म। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ DNA। व्हाट इज़ DNA? It is a hereditary material made up of purines and pyrimidines present in chromosomes of every cell of our body. DNA is a double helix structure in which two strands are wound together like a zip. माशाल्लाह से आप लोगों ने और सर रहीम ने बहुत अच्छा आप लोगों ने साइंस एग्जीबिशन वो सब किया। टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत थी और बच्चों की भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया। हर साल आपकी एग्जीबिशन माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आप लोग आगे ऐसे और तरक्की करें माशाल्लाह से, यही मेरी दुआएँ हैं स्कूल के लिए और बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। Now you can see it's really working. It's welding the blade and they are making a long strip according using the blades. So yes, can you explain me about how it's working? Sure. Assalamu alaikum, my name is Hassan Raza and I am from class 8. Today is my topic about pencil welding machine. An electrode is a conductor of electricity which pass electric current through the non-metal and poor conductor of electricity. In this project we use battery, as you can see, some wires, pencil nib and blade. Now I will explain you how to use this pencil welding machine. We have to weld this part. The part to be welded is positioned between the electrode of the welding machine. When the user activate the machine, an electric current pass through the electrode to the part to be welded. Thank you. माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगाया है लोगों ने यहाँ पर, और माशाल्लाह बच्चों को इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं लोग कि पढ़ाई से हटकर भी, और जितनी भी इनको मालूम होनी चाहिए बच्चों को कि बारिश कैसे होती है और हमारे दूसरे भी सिस्टम से कि हार्ट हमारा किस तरह फंक्शन करता है, छोटी सी क्लास से ही इन लोगों ने माशाल्लाह ये है इन लोग की अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को कि छोटी क्लास से लेकर ही बच्चों में हर चीज़ की नॉलेज आए कि हम आया जो दुनिया में चीज़ें हमारे साथ, जो पूरे इन्वायरमेंट में हमारे साथ मामला होते हैं वो किस तरह होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट प्रेजेंटेड बाई क्लास 7A। सो यस गर्ल्स, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट यू हैव मेड इट? Assalamu alaikum. Today let's explore the incredible world of the heart. The heart is a super important organ in your body. It's like a powerful pump that keeps your blood flowing. Your heart is located in your chest, a little bit of the left. A size of your heart is about the same size of your feet. It has 4 special chambers, 2 atrias and 2 ventricles, and these chambers are made up of strong muscles and called cardiac muscles. Thank you.
Now this is the project presented by class 6 and it's about greenhouse effect. Yes, can you explain me what you have made? Assalamu alaikum everyone. Today our topic is about global warming. Global warming happens when the earth gets too hot because of gases absorb the heat. This can cause problems like melting ice and rising sea levels. These gases come from things like burning fossil fuels, cutting down forests and using certain chemicals. But don't worry, we can see less electricity. We tend to fall instead of using bikes and cars, grow more plants. This small action can make a big difference. Let's take care of our planet and work together to fight global warming. Thank you. Education ke saath ek activity thi jisme na sirf ye ki unko ek science projects pe mauka karne ka diya, uske alawa bahut sari aisi cheeze hain jo बहुत सारी बच्चों की लर्निंग से बच्चों की नहीं हमारी भी थी, एज ए पेरेंट भी हमें बहुत सारी चीज़ें आज बच्चों ने बताई और काश हमारे टाइम में भी इस तरह के इवेंट्स होते और हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी और एक्टिविटी, प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ दिस इज अनदर प्रोजेक्ट अबाउट सीड जर्मिनेशन प्रेजेंटेड बाय क्लास 7B। यस, कैन यू गाइस एक्सप्लेन मी व्हाट इज इट ऑल अबाउट? अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। टुडे आवर प्रोजेक्ट इज जर्मिनेशन। It is about the process of seed growing into a new plant. First, the seed needs water to start growing. Then it absorbs the water and swells up. Next, seed coat cracks open and a tiny root called embryo grows upward towards the light. Next, the leaves form and the plant begins to make its own food through the process called photosynthesis. Germination is an amazing journey that all plants go through. Thank you for your precious time. Assalamualaikum. मैं क्लास 7 का तालिब इल्म हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन एक ऐसा अमल है जिससे बीज एक नए पौधे में उगता है। सबसे पहले बीज को जर्मिनेशन शुरू करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, फिर ये पानी जज़ब करता है और फूल जाता है, फिर बीज को खुल जाता है और एम्ब्रियो नाम की छोटी सी जड़ निकल आती है। ये से मिट्टी से पानी से और ग़िज़ाई अज़ा हासिल करने में मदद देता है। फिर ये रोशनी की तरफ ऊपर की तरह बढ़ता है, इसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस की वजह से ये अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं। जर्मिनेशन एक हैरत अंगेज अमल है जिससे हर पौधा गुजरता है। शुक्रिया। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो हमें भी देख के अच्छा लगता है और सर रहीम की जो पूरी टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है इस काम पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा सीख के इस स्कूल से नाम निकल के जाएंगे और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस स्कूल का नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं और हमेशा एप्रिसिएशन सर रहीम के साथ है हमेशा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ देयर आर टू प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेड बाय क्लास 9A गर्ल्स and one is about I think laws of motion and the second I can see a structure of lung, so I would like to ask the girls to explain me what is all about. Well, basically we have the structure of lungs over here. We have two lungs, as the human body has two lungs. One is an affected lung and one is a healthy lung. The healthy lung is healthy because the person has never smoked in their life, and since because the carbon dioxide hasn't really reached their lungs yet, it's very clean and healthy. This one is affected because the person smoked and the carbon dioxide directly entered to their lungs and then they got affected. So the carbon dioxide, basically smoking, is very harmful for our body since our lung becomes hard, blackish, and you can't really breathe easily because of it. But a healthy lung, you can breathe easy. Can you demonstrate, please? As you can see over here, this lung is easily breathable, but this one cannot breathe because the air isn't reaching through it since it got squished. Firstly, the oxygen enters through the trachea, which is located in your neck, and the trachea is then divided into two parts called bronchioles, which then goes into each lung, and it is further divided into these veins, which helps the oxygen reach into the lung and pumps more oxygen for the body, and then it goes through the body. Thank you. Thank you. And the next project is about laws of motion. So can you girls explain me what are these all about? It's a law of motion. There are three types of motion: circular motion, linear motion, and random motion. कोई भी object अगर circular way में घूमेगा तो वो कहलाएगा इसका circular motion. For example, watch or fan. Fan भी गोल घूमे circular बात करता है और watch भी. And second is linear motion.
अगर एक लीनियर मोशन कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक स्ट्रेट वे में जा रहा है तो वो कहलाएगा लीनियर मोशन. फॉर एग्जांपल आकार एक गाड़ी स्ट्रेट रोड पर जा रही है तो वो कहलाएगा लीनियर मोशन. एंड लास्ट इज रैंडम मोशन. रैंडम मोशन का कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, वो कभी भी कहीं पर भी अप्लाई हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अ स्विंग, क्योंकि झूला जो है कहीं पर भी झूला लेफ्ट राइट कहीं पर हो सकता है, तो इसलिए थैंक यू. एंड वी आर प्रेजेंट हियर साइंस एग्जीबिशन जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए और मदद इन्फॉर्मेशन के हवाले से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बनाई गई है जाके जो कि देखने से बच्चों को ये पता चलता है कि साइंस की बुक्स में उनको क्या डिफाइन किया गया है. दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ वाटर डिस्पेंसर. यू कैन सी इट इज मेड बाई क्लास 9B बॉयज. नाउ लेट एक्सप्लेन मी वॉट इज ऑल अबाउट. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद सुफियान. आई एम फ्रॉम क्लास 9. Principle of pressure and gravity, the functioning of the water dispenser relies on the fundamental principle of pressure and gravity. Opening the bottle cap allow air pressure to push water. अगर इसका वाटर का कैप खोलते तो अंदर एयर जाएगी तो फिर नीचे से वाटर निकलेगा. एयर क्योंकि एयर वाटर को पुश करेगी तो नीचे से एयर निकलेगा, वरना तो फिर अगर बॉटल का कैप बंद कर देंगे तो एयर अंदर नहीं जाएगी और एयर जो जितनी होगी वो अंदर ही रहेगी और पानी सारा बाहर आ जाएगा. Assalamu alaikum. Well, this is a science exhibition of our school and I'm representing this exhibition for the first time with this school. I can see the best efforts done by the student as well as the teachers. It was the whole teamwork which you all can see over here. The students work a lot, the teachers their hard work, you can see it all over here. And I would really appreciate the students and the teachers and obviously the principal who made all of us and appreciate our efforts. So the event is such an amazing in front of you guys. Thank you. जी आज बहुत हमने मज़ा आया. बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमने लोगों ने आके उनके प्रोजेक्ट्स देखे और जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. पेरेंट्स की एफर्ट्स और टीचर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की.